हाथरस रिपोर्ट कांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 6 पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया है। हम इस वक्त ऐसे परिवारों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जिनकी माँ जो है वो सत्संग में गई थी लेकिन वापस नहीं लौट सकी। मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और जो रिपोर्ट सौंपी है एसआईटी ने उसमें उन्होंने कहा है कि आयोजकों की गलती थी और इसके बाद जो 6 पुलिसकर्मी हैं और एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, इन लोगों को निलंबित कर दिया गया, टोटल मिला के 6। कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट? इसकी गलती पुलिस वालों की थी। किसकी गलती थी? जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो आयोजनकर्ता है उनकी गलती थी और जो पुलिस प्रशासन है उसने जाकर के इंतजाम ठीक से नहीं देखा, उनकी गलती। बाबा की कोई गलती नहीं है। रिपोर्ट में अभी तक बाबा का नाम नहीं आया है। क्यों बाबा फिर आज तक सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी गलती नहीं है तो क्यों नहीं देखा उन्होंने लौट के? व्यक्ति चला गया, अब क्या करें बताओ? माँ चलेगी, माँ तो नहीं वापस आ रही हमारी, अब किसको जिम्मेदार ठहराए? आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे? हम तो प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बाबा को भी। बाबा का नाम ना एफआईआर में है ना एसआईटी की जांच रिपोर्ट। तो पूछ रहे हम क्यों नहीं है उनका नाम, बाबा को क्यों नहीं कोई पूछ रहा? सरकार क्या कर रही है? लोग निलंबित हो गए, तहसीलदार निलंबित हो गए, एसडीएम हो गए, सीओ हो गए, एसएचओ हो गए, चौकी इंचार्ज हो गए, लेकिन पूरी रिपोर्ट में कहीं बाबा का नाम नहीं। बोल इनके होने से ना होने से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो मेन इंसान था वो ना, उसके ऊपर एफआईआर है ना कुछ, तो इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। ऐसे तो और भी हो जाएंगे, हर बार होते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार फैलता है तो हर जगह पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, बहुत से जो भी हैं सब सस्पेंड होते हैं। लेकिन मेन चीज ये नहीं है कि ये सस्पेंड हो गए तो बहुत बड़ा काम हो गया, कोई काम बड़ा नहीं है। बाबा नहीं पकड़ा गया तो फिर कोई काम नहीं है, ये सब बेकार है। इससे कोई मैटर नहीं है कि ये हो गए तो इनसे हमारा बहुत बड़ा काम हो गया है, हमारे जो गए हैं हमें उनसे थोड़ी बहुत शांति मिल जाए। नहीं मिल सकती, वो बिल्कुल नहीं मिल सकती। जब तक बाबा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक तो बिल्कुल भी शांति नहीं मिल सकती। इस चीज के लिए संतुष्टि उसी दिन आएगी जब बाबा सामने आएगा और अपने बयान देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अपने भक्तों के लिए वो आगे क्यों नहीं आए अभी तक। आखिरकार 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हुए चले जा रहे हैं, बाबा कहाँ आए अभी तक? बाबा मीडिया के सामने भी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं जब मीडिया हम सबको देख रही है, आ रही है, जा रही है, फिर बाबा कहाँ है? बाबा एक बार अभी तक आए हैं मीडिया के सामने, उसमें भी वो सवाल जवाब नहीं है, वो अपनी बात आते अपनी बातों को वो संतुष्टि से नहीं रख रहे हैं। जो बात है पूरी तरीके से अपनी बात को भी बयान नहीं कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे पीछे हुआ है। अगर पीछे हुआ तो बाबा वापस नहीं आ सकता था? बाबा को नहीं पता था कि ये सब कुछ हुआ है तो मुझे पीछे चलना चाहिए? मेरे बाबा को ये बात पता थी कि उनके पीछे इतने अनुयायी हैं, लाखों लोग हैं। बाबा अगर वहाँ से गया है तो मैनपुरी तक ही तो गए हैं, वहाँ से कहीं ऐसा तो नहीं विदेश भाग गए हो जो वापस आने के लिए उनको कहीं रास्ता ही ना मिला हो? हाँ। तो बाबा क्यों नहीं आ रहे बाहर सामने? हाँ। सबको आना चाहिए ना। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है या कौन सस्पेंड हुआ है हमें उससे क्या मतलब? हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मेन मुद्दा है कि बाबा को पकड़ा जाए और बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए। बाबा को पकड़ा जाए ये आपकी मांग है, लेकिन बाबा का नाम तो एफआईआर तक में नहीं है, रिपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है ये सब? इसका मतलब तो ये है कि सरकार फिर कोई गेम खेल रही है इस चीज का, क्योंकि उनके लिए मृतकों की कोई वो कोई मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनकी मृतकों की उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं। अगर वो गरीब हैं तो कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। इतनी जनता पब्लिक मर गई, आज भी सरकार सो ही रही है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि बाबा पैसा वाले ज्यादा है कि मतलब आस्था ज्यादा बढ़ गई है बाबा के ऊपर सब लोगों की, या राजनीति का ये चल रहा है जो खेल वो सबको दिख रहा है। अगर राजनीति का खेल नहीं होता तो बाबा अब तक कब का गिरफ्त में होता? जब आसाराम बाबा जैसे इंसान आज जेल के पीछे है तो क्या ये भोले बाबा नहीं हो सकते जेल के पीछे? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक बना रखा है भोले बाबा, ताकि ये जिससे कह देगा अपनी जनता से कि आई इसके लिए वोट दे दिया जाए तो वोट उसी की तरफ जाता है इसका, इसीलिए उसको पकड़ा नहीं जा रहा होगा इसी वजह से। बस यही तो बात हो सकती है। तो पकड़ना चाहिए ना, सरकार का ही ये मिली भगत चल रही है, इसीलिए बाबा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। आप जो पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों ने खोया है, आपने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है, तो आप कैसे दोषी मांग रहे हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि हमें पूरी तरीके से
इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी माँ थी, हमारी पूजनी थी, हमारे घर में बड़ी थी। आज उनके जाने से हमारे सबसे बड़े जो हैं हमारी वही थी, हमारे ऊपर से वो साया उड़ गया, उनका हाथ हमारे ऊपर से चला गया। हम दुखी होते थे तब भी हम अपने दिल की बात उनसे कह सकते थे। कहते हैं दुख को कोई नहीं समझ सकता, जैसे प्यार को नहीं कोई समझ सकता वैसे दुख को भी कोई नहीं समझ सकता। या तो कोई उस चीज का मजाक बना देता है, या तो फिर किसी के लिए कोई सामने वाले की मृत्यु हो जाए तो कोई मायने नहीं रखता। इंसान आते हैं, शोक करते हैं, सब चीज होती है, लेकिन पूरी तरीके से कोई किसी के दुख को कम नहीं कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि प्रशासन अभी तक इतना चुपचाप क्यों बैठा है। आप मांगे क्या मांगे? मांग सिर्फ यही है कि बस अब सीधी मांग यही है कि बाबा को पकड़ा जाए, बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, पति में से बांटा जाए। क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप? बाबा को सामने लाया जाए। और क्या क्यों बाबा क्यों नहीं आ रहे? अब जिन बहुत से परिवार तो बहुत गरीब हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं, उनका किसी का बेटा चला गया है, किसी की बेटी चली गई है। आपकी माँ चली गई है? मेरी माँ गई। आप क्या चाहती हैं, कैसे कार्रवाई करें? हम तो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहती हैं, ये बात कह रही हैं और बाबा के ऊपर साफ तौर पर उंगली उठाती रही हैं। एक और परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइएगा। और अब एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा का नाम नहीं है, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, एक तरीके से शासन प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी है बाबा को। इसमें सर जी प्रशासन का तो कोई दोष नहीं है, शासक का दोष है, क्योंकि अभी तक जो है बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। बाबा किस बात का है? बाबा होता तो वहीं पे जो है जितने भी मृत्यु हुई तो वहीं जीवित होते। हम ये चाहते हैं, क्यों नहीं देखा? कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? कार्रवाई की ये मांग करते हैं जैसे आसाराम बापू, राम रहीम आजीवन कारावास हैं, इनको भी खत्म किया जाए। आज तक एक परिवार जो भी गरीब था, ये तो अधिकारी था, किसी भी चीज से रिटायर हुआ अपने आप 1991 में 1999 में जो पूरी उनकी जीवनी हमें पता है। आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बाबा को खत्म किया जाए। बाबा नहीं है, ढोंगी है, बिल्कुल नहीं है, जितने भी बाबा हैं कोई भी सही, कार्रवाई की हो, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये है वो परिवार जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा को क्लीन चिट जो नहीं दी जा सकती, एफआईआर में भी नाम नहीं है, एसआईटी में भी नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे परिवार जो है वो दुखी है। और सीधा सवाल जो है वो बाबा की भूमिका पर ही उठाया जा रहा है और परिवार की भी यही मांग है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, हाथरस।